हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आज की हमारे इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले दोस्तों कैसे दोस्तों हम गूगल के फ़ोन में दोस्तों वाईफाई नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आपको वाईफाई नेटवर्क शेयर करना है दोस्तों गूगल के फ़ोन से किसी भी दूसरे डिवाइस में, तो आप वाईफाई नेटवर्क को कैसे शेयर कर सकते हो, इस सेटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हो, आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। आप दोस्तों हम अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन कर देते हैं सबसे पहले वाईफाई नेटवर्क शेयर करने के लिए। अब दोस्तों फ़ोन की सेटिंग ऑन होते ही आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा आपको गूगल के फ़ोन में। अब दोस्तों आपको आ जाना नेटवर्क ऑन इंटरनेट सेटिंग पे, तो मैं नेटवर्क इंटरनेट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर दोस्तों आपको दे जाएगा यहाँ पे इंटरनेट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और अपने वाईफाई को आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। दोस्तों वाईफाई इनेबल हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको जो नेटवर्क पहले से आपके फ़ोन में कनेक्ट है तो ठीक है दोस्तों, नहीं है दोस्तों मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। इसके दोस्तों पे 5G नेटवर्क है और मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ अपने किसी फ्रेंड के साथ या किसी के भी साथ। तो दोस्तों मैं यहाँ से पहले इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और अब ये मेरे फ़ोन में कनेक्ट है इस तरीके से, और आपके फ़ोन में पहले से है तो बहुत ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों मुझे इसको शेयर करना है किसी और डिवाइस के साथ, तो मैं इसको कैसे शेयर कर सकता हूँ। शायद दोस्तों मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया है, तो मैं दोबारा से एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ये कनेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब दोस्तों जिस फ़ोन में आपको कनेक्ट करना है आपको वो फ़ोन यूज़ करना है। तो दोस्तों फिलहाल मेरे पे ये वाला फ़ोन है टेक्नो का, और मैं इस पे यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग को ऑन कर देता हूँ इस फ़ोन की। और फिर दोस्तों आपको दिख जाएगा यहाँ पे वाईफाई सेटिंग। जो भी फ़ोन दोस्तों आप कनेक्ट दूसरे फ़ोन यूज़ कर रहे हो आपको उसमें वाईफाई सेटिंग में आ जाना है। और आप देख सकते हो दोस्तों 5G नेटवर्क यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, बट दोस्तों हमारे गूगल के फ़ोन में है। अब दोस्तों मैं यहाँ से इसको शेयर करूँगा और इस वाले फ़ोन में दोस्तों हम बिना किसी पासवर्ड के इस वाईफाई को कनेक्ट कर लेंगे, कैसे आप देख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों आपको या तो दो तरीके को देखने को मिलेंगे, या तो दोस्तों आपको स्कैनर यहाँ ऊपर की साइड दिखेगा फ़ोन में किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में, या दोस्तों यहाँ नीचे ऐड नेटवर्क के पास दिखेगा आपको। तो दोस्तों यहीं तो आपको ये स्कैनर देखने को मिलेंगे, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है आइकॉन पे, आप दिख जाएगा दोस्तों स्कैन QR कोड। अब दोस्तों आपको गूगल के फ़ोन में सेटिंग पे क्लिक करना है और आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों अगर आपके फ़ोन में कोई पैटर्न पासवर्ड वगैरह तो आपको वो एंटर करना पड़ेगा, अपने पैटर्न को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो भी नहीं है, अगर आपके पास है दोस्तों आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद आप शेयर कर सकते हो अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो। और दोस्तों आपको दिख जाएगा स्कैन करते ही कनेक्ट का ऑप्शन, तो आपको यहाँ इस पर क्लिक कर देना। दोस्तों ये वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है हमारे इस वाले फ़ोन में बिना पासवर्ड के, आप चेक कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों इस तरीके दोस्तों हम वाईफाई को शेयर कर सकते हैं गूगल के फ़ोन से किसी भी डिवाइस के साथ और यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार। और दोस्तों कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों आपको अपने गूगल फ़ोन लेके किसी एंड्रॉइड फ़ोन को, आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ऐसे वाईफाई को हम शेयर कर सकते हैं।